नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल आप सभी नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल आपके अपने चैनल स्कोप टारगेट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13, एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को, पता है ये मैं आपको दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार शूट किया था तो कैमरा ऑफ रह गया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आपको 3xyz प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिए मैं दोबारा कर रहा हूँ यार, तकलीफ हो रही है। चलिए लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो बोला गया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है भैया, तो प्रूव करो हमको, तो प्रूव करो, क्या प्रूव करो भैया हमको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ बोला कि प्रूव कर देंगे भैया, इसको प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, प्रूव करेंगे किसके साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, एक बार देख लें कैमरा चालू है कि नहीं, हाँ चालू तो है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का माइनस 3xyz। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसका एक्सपेंडेशन फॉर्म लिख देंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सपेंडेशन फॉर्म। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे हवन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस माइनस 3xyz xyz की वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे दोस्तों, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी बड़े तमाम अक्षरों में करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 0 आता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और देखिए माइनस का है तो उसको प्लस में भेज देंगे, तो यहाँ पर 3xyz हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये एक बात और, जो ये वाला आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, उसको आप जरूर से याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो हर जगह आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।